हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विक्टर मोट्रेन। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अनुज विक्टर। तो गाइस, फाइनली एक नई एक्साइटमेंट और एक नई ट्रिप लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। और बस अभी निकल रहे हैं घर से, निकलते ही हम लोग सीधा जाएंगे, आज मनाली जाने का प्लान है। वैसे मनाली जाने का प्लान नहीं है, हम जा रहे हैं काजा स्पीति, और वो हम जा रहे हैं मनाली होते हुए, क्योंकि शिमला होते हुए भी रास्ता जाता है, बट हम मनाली होते जा रहे हैं क्योंकि मनाली का जो रास्ता है वो थोड़ा यूनिक है। वो जो रास्ता है वो कभी कभी, मतलब 4-5 महीने खुलता है साल में, तो इसलिए हमें लगा कि वो वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं, आज हम निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:20 और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो हम फरीदाबाद से निकल रहे हैं। और बेसिकली अभी हम KFC लेने आए हैं और KFC पैक करवाएंगे और फिर निकल लेंगे यहाँ से। पीछे KMP से निकलेंगे हम फरीदाबाद से। आपको यूजली तो क्या है, हमें GT रोड पकड़नी है, और जो GT रोड है वहाँ वो दिल्ली होते हुए भी जाती है, बट दिल्ली में बहुत जाम रहता है इस वक्त क्योंकि वीकडेज है ऑफ कोर्स, तो जाम होगा। इसी वजह से हम पीछे KMP पकड़ते हुए सीधा कुंडली से उतर के फिर पानीपत और वो वाला हाईवे, अपना चंडीगढ़ वाला हाईवे हम पकड़ेंगे। तो गाइस, हमारा प्लान ये है कि मनाली हम दिन में पहुंच जाएं अराउंड 4 या 5 बजे, ताकि हमें जाम में ना फंसना पड़े, क्योंकि आजकल आप सुन ही रहे होगे कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। जून का टाइम है, आज डेट भी है 4 जून है आज, और हम निकल चुके हैं। बस अब आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और जो जो हम लोग करेंगे वो आपको बताते रहेंगे। तो गाइस, कौन सी जगह है भाई? डालपुर। डालपुर रुके हैं डीजल फुल करवाने के लिए। ये हमारी गाड़ी में डीजल नहीं था। ठीक है, ऑन बाद में होता है, शुरू बाद में होता है, ये क्या बात, मोटर पहले ऑन होती है। अच्छा, तो भाई फुल टंकी करवा रहे हैं ताकि हमें मनाली तक कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से KMP कितना दूर है भाई? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर यहाँ से KMP है, अराउंड 10 मिनट लगेंगे, यही है, यहाँ से दिख जाता है। तो बेसिकली हम किसके साथ जा रहे हैं? अनुशांग भैया और मैं ही जा रहे हैं। इस बारी कोई और दोस्त नहीं जा रहा, क्योंकि सबके पास काम था, और हमने कहा, भैया ने बोला कि मेरा बड़ा मन था एक्चुअली, तो मेरा बड़ा मन था यार, भैया ने बोला यार कैंसिल नहीं करते, तेरा मन है तो हम चलेंगे। तो भैया ने और मैं ही निकल रहे हैं। मस्त अपना गाड़ी सब कुछ करवा लिया है, सर्विस, उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, देख लेना प्लीज़। और उसके बाद अभी डीजल भर रहा है, डीजल भरने के बाद अपना निकलते हैं। टाइम हो गया, 8 बज गए। प्लान तो है कि सुबह 5 बजे तक मनाली पहुंचने का, देखते हैं। ज़्यादा स्टॉपेज तो लेंगे नहीं, क्योंकि खाना पैक करवा लिया है, सब कुछ ले लिया है, बस बीच में कॉफ़ी के लिए रुकेंगे अगर नींद आई तो। भाई ऊपर तक कर देना अगर नींद आई तो। ऊपर 88 रुपीस चल रहा है यहाँ पे, और शुरू करवा रहे हैं। तो नींद आई तो कॉफ़ी ले लेंगे, या तो बीच में कहीं रुक के चाय पी लेंगे। बस अब फुल डीजल करवा के निकलते हैं। फाइनली हम लोग KMP पे चढ़ गए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता है अराउंड 323 किलोमीटर्स का, प्लस 5.5 घंटे दिखा रहा है। तो देखते हैं यार, अपन ये गूगल मैप को बीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बाकी हमारा प्लान यही था कि हम, मतलब 12 बजे तक हम पहुंच जाएं चंडीगढ़, तो हम, ताकि वहां से 6-7 घंटे तो उधर का है, मनाली है, तो सुबह 6 बजे तक हम मनाली पहुँच जाएँ। तो अब देखते हैं 12 बजे तक हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। देखते हैं यार, थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि स्टॉपेज थोड़े से कम लेंगे। यार मेन यही है कि हमें मनाली वाले जाम से बचना है, अगर मनाली वाले जाम में फंस गए तो हमारा पूरा सब बेकार है आइटनरी। और भैया को हेलो बोल सकते हो आप, भैया हमारे साथ, भैया आ गए। मैं बता चुका हूँ ऑडियंस को कि भाई कोई नहीं आया, सिर्फ भैया आए। तो भैया को थैंक यू कहिए, भैया की वजह से ये ट्रिप सक्सेसफुल हो पाया है, नहीं तो आप लोग नहीं देख पाते खासा का। मतलब देख लेते, कहीं और से देख पाते, हम से नहीं देख पाते। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कुंडली हम कितने बजे पहुंचे हैं यहाँ से,
फरीदाबाद से हम चढ़े हैं KMP पे और कुंडली में उतरेंगे, फिर वहां से चंडीगढ़ कितनी देर में पहुंचते हैं तो ये हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बीच में स्टॉपेज भी लेंगे तो फिर बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी देखो, अगर यहां से जा रहे हो आप चंडीगढ़, तो बहुत सारे ढाबे और ये सब खुले रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। जैसे पिछली बार हम लोग वहां गए थे, जब उत्तराखंड वाले हाईवे पे जाते हैं जो मेरठ वाला रोड है, वहां कुछ नहीं खुला रहता यार रात में, तो वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। यहां पे तो चलो कोई टेंशन नहीं है, 11-12 बजे तक कॉफी वॉफी लेंगे बढ़िया सी, और अपना कॉफी भर के कैनी में ले चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से चल रहे हैं, बस पहुंचते हैं, स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, 100 की है तो अराउंड 100 पे ही चलेंगे क्रूज कंट्रोल पे, और आराम से पहुंचेंगे। वैसे यार देखो, जल्दी तो है लेकिन जल्दी चला के फायदा नहीं है ना, कि यार मतलब आराम से ही पहुंचो, अपना सेफली पहुंचो, सेफ पहुंचना जरूरी है। थोड़ा बहुत जाम मिलेगा तो मिलेगा, देख लेंगे यार। मनाली का जाम तो मनाली का, मनाली की बात ही अलग है यार, मनाली की बात अलग है तो मनाली के जाम की भी बात अलग है। मनाली का 6:30 बजे का, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो ब्रेक तो हम लेंगे नहीं कहीं पे, तो देखते हैं यार ETA बीट कर पाते हैं या नहीं। वैसे तो अभी हमने आधे घंटे तक का तो ETA बीट कर दिया है, क्योंकि पहले 1:27 कुछ दिखा रहा था चंडीगढ़ का, बट अभी 1 बजे दिखा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे तक पहुँच जाएँ तो बढ़िया है, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे बेसिकली। तो आई डोंट नो, ये मतलब जो गूगल मैप्स होता है ये ब्रेक लेके भी दिखाता है क्या है, क्या मतलब क्या इनका एल्गोरिथम कैसे काम करता है हमें पता नहीं है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकें, ताकि हम मनाली में हम 5 बजे से पहले, अगर हम 5 बजे ही पहुंच जाते हैं ना तो बेस्ट है यार। अभी तो मनाली 6:37 दिखा रहा है, तो देखो 30 मिनट का तो हो ही जाएगा, वो तो हमें पता ही है ना, बाकी हम उसके आधे घंटे और कर लेते हैं तो बेस्ट है, 5:30 पे पहुंच जाते हैं तो हमें कम जाम मिलेगा, क्योंकि वीडियोस में हम देख रहे हैं कि जाम तो मिलेगा ही बट कम मिलेगा। और दूसरा अपना ये कार प्ले चल रहा है दूसरे वाले फोन से, मस्त अपना GPS लगा लिया है और अपना ये YouTube म्यूजिक चल रहा है, तो समा बंधा हुआ है बढ़िया। और अब आगे रुकेंगे, रुकना क्या ही है, अपन तो कहीं डिनर के लिए भी नहीं रुकेंगे, हम अपना पैक करके चल रहे हैं सब सामान, बस कॉफी उठाएंगे और निकलेंगे अपना। क्या भगा रहा है यार, काली क्रेटा जा रही है, काली क्रेटा वालों से दूर रहे सफेद वाली से भी दूर रहे अभी, ये भाई पर चल गया। ओके गाइस, तो अब हम आपको अगली अपडेट देंगे चंडीगढ़ पहुंच के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बोर हो जाए तो क्योंकि हम कहीं रुकने वाले नहीं है, बुर्तल कुछ नहीं दिखाने वाला, आप लोगों ने बहुत बार देख रखा है, तो अब सीधा चंडीगढ़ रुकेंगे, फिर वहां से बताएंगे कि मनाली के लिए कहां से कट लेना पड़ता है, क्योंकि यहां से तो सीधा सीधा हाईवे है, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, ठीक है। अभी बीच में अम्बाला वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो जो लुधियाना वाला कट आता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वो आपको दिखा दूंगा कि कभी आप जा रहे हो तो फिर वो उस हिसाब से आप अपना टर्न ले लो। बाकी हम ऑलमोस्ट ये कुंडली पहुंच गए हैं, मूर्थल यहाँ से आधा घंटा है, समझो मूर्थल ही पहुंच गए हैं। तो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। अम्बाला कैसे पहुंच चुके हैं ये आप देख सकते हो कि ये बड़ा सा ब्रिज सा आता है उसके लिए, और यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना रहता है, जैसे आप देख सकते हो कि चंडीगढ़ शिमला के लिए लेफ्ट लेना है, बाकी लुधियाना के लिए आपको सीधा रहना है। तो अब अम्बाला आ चुका है और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:05 है, तो हम लोग कुछ सही टाइम पे ही पहुंच गए हैं, जिस टाइम पे हमने एक्सपेक्ट किया था, और हमें मनाली का ETA बता रहा है 5:56। तो अपना आराम से गाना बंद कर देता हूँ यार, कॉपीराइट आ जाएगा साला बोल दिया फक
चंडीगढ़ में हम एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से 2.9 किलोमीटर पे हमें लेफ्ट बता रहा है, तो बर्गर किंग आता है एक, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है मनाली के लिए। तो अब क्योंकि वो एरो सिटी वाली आउटर चंडीगढ़ से ही वो हमें मनाली वाले रास्ते में पहुँचा देता है, तो बस अब ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुँच ही गए हैं और एकदम टाइम पे पहुँचे हैं हम लोग 12 बजे। मतलब हम लोग अराउंड 7:30 बजे वहां से निकले थे फरीदाबाद से और हम 12 बजे पहुंच गए, तो इसका मतलब हमें अराउंड 4.5 घंटे लगे हैं क्योंकि हम रुके नहीं है। बेसिकली ये है, अब पता नहीं गूगल हमें रुक के बता रहा था कि अगर रुकोगे रुकते रुकते जाओगे तभी इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमने गूगल के टाइम को अराउंड 1 घंटा बीट कर दिया है। तो भाई खुशखबरी ये है, है ना, आप मिठाई विठाई खा लेना बस अब हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे मनाली की ओर। प्लान तो यही है कि 5 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि हम खाना वाना तो हमने पैक करवा लिया, बीच में रुकेंगे आधा घंटा, खाना वाना अपना खाएंगे बढ़िया मस्त। तो आपको बताते हैं क्या स्टेटस है रोड्स का और क्या स्टेटस है ट्रैफिक का। बेसिकली इस टाइम पे ट्रैफिक इज द मेन कंस्ट्रेंट जो कि आपके ट्रैवलिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली आज वेंसडे हो गया ना भैया, वेंसडे हो गया है तो वेंसडे को निकल चुके हैं, तो वेंसडे को पहुंचेंगे मनाली सुबह, देखते हैं बताते हैं आपको क्या सीन है, तो उसी हिसाब से आप निकलें, ठीक है। लेकिन जब हम निकलें तब ना निकलें क्योंकि जाम बढ़ जाएगा और ज़्यादा, तो जब हम ना निकलें तब आप निकलें ताकि हम लोग जाम में ना फंसे तो कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचने की और स्टेटस बताते रहेंगे आपको। कोशिश यही है कि टाइम पे पहुंच जाए, अटल टनल क्रॉस कर ले, मेन हमारा यही मोटिव है। तो बस अब चल रहे हैं अपने मंजिल की ओर, दो मुसाफिर मस्ती करते हुए, यही लाइफ है यार। क्यों मीटिंग करते रहो और काम डेडलाइन पूरी करते रहो, ये लाइफ नहीं है यार, है ना। देखो लाइफ ये है कि आप उसके बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अगर फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हो तो फैमिली के लिए, वही लाइफ है यार। ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी आप हमेशा रिग्रेट ही रहता है कि यार यहाँ चले जाते वहाँ चले जाते। तो टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट लेना पड़ेगा हमको, लेफ्ट ले लिया है हमने, मैकडी दिख रहा है मुझे, मैकडी से ही हमें लेफ्ट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपको मैकडी का वो जो आइकन है बोर्ड दिख जाता है यहाँ से, तो देखते हैं अगर मैकडी में कुछ मिलता है। वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं है यार, पेट भरा हुआ है, तो मैकडी से हमें लेफ्ट लेना है तो हम लेफ्ट लेते हैं और फिर उसी हिसाब से GPS बढ़िया दिखाता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। हम भी GPS देखते हुए आ रहे हैं, एक फ्रेंड भी मेरा रहता है यहाँ पे मिस्टर मन्नू, तो मन्नू ने बताया है, मन्नू से भी पूछ लिया था मैंने, एक आध बार कंफर्म कर लो किसी से तो अच्छा रहता है, कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। हमेशा आपको GPS पे रिलाय नहीं रहना चाहिए, कभी यहाँ पे दोस्तों से पूछ लो तो बढ़िया रहता है। स्टारबक्स भी आ गया, तो आई थिंक स्टारबक्स तो खुला नहीं होगा इस वक्त, कॉफी लेनी है क्या? ड्राइव थ्रू है, खुला भी है यार, भी आ रही है, अरे पुलिस भी होती है यहाँ पे। चलो गाइस मैं रख रहा हूँ फोन पता चला चलान कट गया, तो अब हम मुड़ रहे हैं यहाँ से, कॉफी देखते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। गाइस हम लोग आए हुए हैं बर्गर किंग और यहाँ से हमने एक कड़क कॉफी बोली है उनको, वैसे तो पाजी कह रहे थे कि कड़क कर देंगे आपकी कॉफी, तो अभी वॉशरूम जा रहे हैं तो देखते हैं, और चिकन रैप भी ऑर्डर किया है हमने, तो बस निकलते हैं अभी यहाँ से थोड़ी देर में पैक करवा के। जैनिटर ये है यहाँ का वॉशरूम, काफ़ी सजाया हुआ है, पत्ते वत्ते लगे हैं लेकिन नकली हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इनसे हाथ धो रहे काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। ये जो बर्गर किंग आता है, हमने वहाँ से 2 कोल्ड कॉफ़ी उठा ली स्ट्रॉन्ग वाली, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट ले लिया और आंटी बोल रही है कि 600 मीटर तक स्ट्रेट जाना है, बट स्ट्रेट हमें कुछ ज़्यादा मीटर्स तक ही जाना है, तो वहाँ से फिर हम एक और लेफ्ट लेंगे तो मनाली वाले हाईवे पर चढ़ जाएंगे।
बस चल रहे हैं यार। अब जब जैसे ही मनाली वाला कट आता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखना कि मैकडी और बर्गर किंग प्लस स्टारबक्स भी आता है। तो मैकडी तो टेक अवे के लिए खुला था, आई थिंक मैकडी ने बोला है कि 12:30 बजे खुलेगा, लेकिन बर्गर किंग खुला हुआ था। तो बर्गर किंग से आप लेफ्ट ले लो और फिर सीधे सीधे चल के कहाँ से मोड़ लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस एरो सिटी की तरफ चलते चलते हमारे पास ये एक लेफ्ट आ गया है, तो वो लेफ्ट हम ले ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द GPS। जैसा कि आंटी बोल रही हैं, उनकी बात सुनिए, आंटी बड़ी हैं तो वो सही बोल रही हैं। हाँ, सुनते रहो और आंटी की अब हमें कहीं नहीं रुकना है, अब हम सीधा 609 पे ही रुकेंगे ताकि हम लोग बहुत सारा टाइम बचा सकें, और टाइम का मतलब है पैसा। चलो गाइस अब मिलते हैं आपसे मनाली में। टाइम हो रहा है 12:42 और ये सीधा रोड अब मनाली जाता है। म्यूट करो यार आंटी, आंटी बोलती रहेंगी नहीं तो। भैया बेल्ट बेल्ट उतार रहे हो भैया, कंफर्ट को पाते हुए। तो अब 6 बजे तक पहुंचते हैं, सुबह आपको बढ़िया सा सनराइज दिखाते हैं। तो गाइस मनाली वाला कट आ गया है, अब मनाली के लिए हमें ये वाला ऊपर वाला हाईवे पकड़ना पड़ता है। 3 जा रहे हैं मनाली के लिए, हमें ये ऊपर वाला पकड़ना है। तो सीधा अब यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, अराउंड 220 किलोमीटर हमें और जाना है अटल टनल का जो दूसरा वाला पोर्टल है, साउथ पोर्टल का हमने लोकेशन डाल दिया है। तो अराउंड 5 घंटे बता रहा है, इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30, 1:30 बज रहा है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे, 6:30 बजे तक बता रहा है साउथ पोर्टल। अगर 6:30 बजे तक पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जाम में फंसेंगे भाई। देखते हैं, अभी तो बस यहाँ से मनाली वाला कट लिया है हमने, अभी पहाड़ी इलाका शुरू। गाइस ये है टनल नंबर 2 और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60। देखिए कितना प्यारा टनल बना हुआ है। पिछली बार जब हम आए थे तो इतने टनल्स नहीं थे, इस बार भैया बता रहे हैं कि बहुत सारे टनल्स हैं, तो अच्छी बात है। टनल बनाने से डिस्टेंस शॉर्ट होता है, आपका टाइम कम लगता है, प्लस आप जल्दी पहुँच जाते हैं, वो एक ही बात हुई। तो टॉल लो यार, पैसा लो हमसे, हम कब मना कर रहे हैं कि पैसा लो, लेकिन सर्विस अच्छी दो, क्यों भैया, है ना। गुस्सा तो तब आता है जब पैसा पूरा दिया जाए और सर्विस अच्छी ना मिले। प्लस यार यहाँ पे स्पीड कैमरास भी बहुत हैं, तो हम लोग तो स्पीड लिमिट में ही चलाते हैं वैसे भी, तो आप भी चलाइए, नहीं तो आपका चलान कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस मंडी का बस स्टैंड आ चुका है, ISBT मंडी। तो हम मंडी पहुंच चुके हैं, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30 और मंडी में कुछ नज़ारा ऐसा है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा बस स्टैंड है, मतलब बड़ा बस स्टैंड है। तो अभी यहाँ पे कुछ दुकानें भी खुली रहती हैं रात में, अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, ढाबे भी खुले हैं। तो आई थिंक ये रात भर खुले रहते हैं, और पेट्रोल पम्प भी है, पेट्रोल भी डलवा सकते हो आप। 3:30 बजे तक खुला है इसका मतलब, बाकी ETA हमारा 6:38 का ही है, सेम ETA। अभी बीच में हम थोड़ा सा चाय भी नहीं रुके थे, लेकिन इतनी बेकार चाय थी। तो जहाँ पे वो बसेस भी रोकते हैं, जो लक्ष्मी ट्रेवल्स वाले होते हैं, जो AC बसेस होती है ना, वो भी वहीं पे रुकती हैं, लेकिन इतनी गंदी चाय यार, इतनी मीठी, और पता नहीं क्या बना दिया वो, एक्चुअली सबके लिए बनाते तो फिर वही आपको भी पिला देते हैं। मैं तो उनको बोला था कि भैया कड़क चाय बनाना, लेकिन अब क्या करें यार, छोटी दुकानों पे ही रुकना चाहिए, वो आपके हिसाब से कस्टमाइज चाय बनाते हैं। तो बस बढ़ रहे हैं मनाली की ओर, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं मनाली। सो आपको अपडेट करते रहेंगे,
बाकी यार कैमरेज बहुत हैं, तो कैमरेज से थोड़ा सा सावधान रह के चलिए। पता नहीं क्या पहाड़ों पे भी आजकल कैमरे लगे हैं स्पीडिंग के, बताओ। गाइस वो देखिए, नीचे पानी है और ऊपर पहाड़ों पे आग लग रही है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये आग लग रही है। मनाली की एक और टनल, टनल नंबर 11। डैम से जस्ट पहले है, 10 बाद 50 है स्पीड लिमिट, 50 इस पे स्पीड लिमिट है। पानी की बॉटलें बहुत सारी, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये सारी हम ख़त्म कर देंगे हैं। और यहाँ से पास में नदी की आवाज़ आ रही है, ठंड लगना चालू हो चुकी है, हल्का हल्का सवेरा होना शुरू हो गया, ऐसा कैमरा बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना सवेरा नहीं लग रहा है। तो बस थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे टांगे सीधी करने, बस निकलते हैं अब फटाफट यार, लेट ना हो जाए। गाइस ऑलमोस्ट मनाली पहुंच चुके हैं, मनाली में के पहले जो टॉल आता है वो टॉल आ चुका है, और अभी बस टॉल भरेंगे और सीधा निकलेंगे अटल टनल की ओर, क्योंकि हमें निकलना है कोकसर। यहां से हम पार करके सीधा जाएंगे कोकसर। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:30 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम अपने टाइम पे ही पहुंच गए हैं। बाकी ये 2 घंटे दिखा रहा है अटल टनल क्रॉस करने के बाद के, है ना। तो बस अभी देखते हैं, टॉल तो कटा नहीं यहाँ से, क्योंकि वो ऊपर हुआ पड़ा था बैरियर, तो पता नहीं निकल गए हम लोग बच गए कि शायद मनाली वाला टॉल है, या पता नहीं कोई नया टॉल है। सर एक आगे भी तो टॉल पड़ता है, देखते हैं, अगर कोई आगे टॉल हो तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पे तो पैसे नहीं कटे। मॉर्निंग हो रही है हल्की हल्की, मॉर्निंग कर रही है, देखो आप सोंधी सोंधी सी अभी आप। तो गाइस ये देखिए मनाली के नज़ारे, हल्के हल्के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे और हल्के हल्के बादल भी हैं, तो शायद ऊपर जाके बर्फ पड़ सकती है। देखो उधर देखो उस साइड कितने बादल हैं भैया। तो गाइस पहुंच चुके हैं मनाली, ऑलमोस्ट मनाली ही पहुंच गए हैं। 50 कुछ बता रहा है, लेकिन ये रोड सीधा मनाली होते हुए ही जाता है ना, मतलब ये तो बहुत मनाली के पास ही आ गया है ना एकदम। सो वी आर क्लोज टू मनाली, इसमें 56 बता रहा है, और कुल्लू है 16, भुंटार एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है यहाँ पे मनाली का वो भी पास में ही है। तो अभी चल रहे हैं, और ये वाला शायद अंदर से जाता है रास्ता, तो हम आउटर से निकल जाएंगे नए रास्ते। डीजल तो काफी है, बट स्टिल हम चाह रहे थे कि हम पहले ही डलवा लें। तो बस गाइस एक और पेट्रोल पंप आ गया, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइट जल रही है भैया, ट्रक तो साइड से चला जाएगा, नहीं बस पहुंच चुके हैं मनाली, और मनाली का बेसिकली माल रोड वाला एरिया भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत देखो कितना जाम है, आगे तक जाम लगा हुआ है, और हमें आखिर जाम मिल ही गया। बट नेचर के नज़ारे देखो आप, कितना प्यारे लग रहे हैं वो वाले पहाड़। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा क्या पूरा ही देख लो यार, ये देखो कितना प्यारे लग रहे हैं यार। कोई फायदा नहीं हुआ वैसे जल्दी आने का, थोड़ा सा फायदा हुआ जो जाम पहले लगता था थोड़ा सा बाद में मिला है हमें, बट जाम तो है गाइस। और टाइम हो रहा है इस वक्त 6 भी नहीं बजे हैं यार, 6 बजे से भी पहले पहुंच गए हैं, फिर भी जाम मिल रहा है, क्या करें यार। कोई नहीं, थोड़ा बहुत जाम में एंजॉय करेंगे। वैसे व्यूज बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, आप खुद देख सकते हो। तो बस सब चल रहे हैं अटल टनल की ओर, 20 किलोमीटर है यहाँ से अटल टनल। तो गाइस फाइनली हम जाम को चीरते हुए आगे बढ़ चुके हैं, 10 मिनट का दिखा रहा था तो 10 मिनट ही रह गए थे।